बरेली में बिना धर्म देखे कावड़ यात्रा में हुड़दंग मचाने वालों पर कार्रवाई करने वाले आईपीएस प्रभाकर चौधरी का ट्रांसफर किया गया तो उनके पिता का सख्त बयान सामने आया है। आईपीएस के पिता पारसनाथ चौधरी ने बीजेपी सरकार की पोल खोलते हुए कहा, मेरे बेटे के लगातार ट्रांसफर इसलिए होते हैं क्योंकि वो ईमानदारी से काम करता है और नेताओं से दूरी बना के रखता है, उनका कहा नहीं मानता। बीजेपी नेताओं की बात नहीं मानता तो 2-3 महीने में ट्रांसफर हो जाता है और अब आदत हो गई है। अगर बरेली में मेरे बेटे ने हालात नहीं संभाले होते तो कई लोगों की मौत हो जाती। मेरे बेटे ने अच्छा काम किया लेकिन अच्छे काम का बुरा नतीजा मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं बीजेपी का पदाधिकारी था, बीजेपी में कई पदों पर काम किया लेकिन अब तय कर लिया है कि जिंदगी में बीजेपी के खिलाफ रहूंगा। ज्यादा बड़ी हैसियत तो नहीं लेकिन 10-20 गांव में बीजेपी को जीतने नहीं दूंगा। आईपीएस प्रभाकर चौधरी के 8 साल में 18 ट्रांसफर होने पर पिता ने कहा, मेरा बेटा कहता है कि ये सरकार का काम है, ईमानदारी से काम करता रहूंगा, अब तो आदत हो गई है और बैग हमेशा पीठ पर रहता है कि कब यहाँ से चलना पड़ जाए। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। एक तरफ पीएम मोदी भ्रष्टाचार के क्विट इंडिया करने का नारा देते हैं, सीएम योगी कानून व्यवस्था का एक रोल मॉडल तैयार करने का दावा करते हैं, लेकिन ये कैसा रोल मॉडल है जिसमें एक ईमानदार अधिकारी के लगातार ट्रांसफर किए जाते हैं और बीजेपी के पदाधिकारी रह चुके पिता कहने को मजबूर हो जाते हैं कि अब जिंदगी में बीजेपी का साथ नहीं दूंगा। आप आईपीएस प्रभाकर चौधरी के पिता के ऐसे बयान पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।